हे गाइस, मैं हूं अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल कोडफिट लैब। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है ओमेगा 3। आज मैं ओमेगा 3 के बारे में बात करूंगा। आपको पता ही है कि ओमेगा 3 क्यों यूज करना चाहिए। और ये जो ओमेगा 3 है, ये नोवास की तरफ से आते हैं, तो मैं इसको यूज करता हूँ पर्सनली, बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। तो ओमेगा 3 चाहिए आपका ब्रेन और हार्ट को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। आपको ओमेगा 3 जरूर चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है ओमेगा 3, वो आपका फिश ऑयल से आते हैं या फिर आपका फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, इसमें से आपको ओमेगा 3 मिल सकता है। देखिए, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाने से आप लोग को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मुझे आपको सिर्फ समझना है कि आपको काम क्या है इसका, और ये सेफ है कि नहीं है, इसके बारे में बात करूँगा। अगर मैं साइंटिफिकली जाऊँ तो वो आप लोग के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, क्यों लेना चाहिए। देखिए, हम लोग का ब्रेन और हार्ट, ये सबसे मेन पार्ट है बॉडी का। ये अगर फंक्शन ठीक से नहीं करेगा, इसमें अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट है नोवास की तरफ से जो आता है, ये आपका ओमेगा 3, जिसमें आपका जॉइंट, आपका ब्रेन एंड हार्ट तीनों चीज़ प्रॉपरली आपको हेल्प करता है काम करने में। और एक बात कि ओमेगा 3 जो है वो 1 ग्राम करके डेली आपको चाहिए आपका डाइट में। हाँ, डेली 1 ग्राम करके आपको ओमेगा 3 चाहिए। देखिए कैसा दिखने में होता है, ये सॉफ्ट जेल टाइप का होता है। ये जो ओमेगा 3 है, ये आपका फिश ऑयल से आते हैं। इसमें ये नेचुरल, मतलब वेजिटेबल नहीं है, ये आपका फिश ऑयल से इसको तैयार किया जाता है। तो इसलिए जब आप इसको लोगे तो थोड़ा आपका अंदर से जब बाब होगा, तो थोड़ा खाना खाने के बाद या फिर इसको लेने के बाद थोड़ा अंदर से फिश का जो स्मेल आता है वो अंदर से आपको आएगा। तो टेंशन में कोई बात नहीं, खराब कुछ नहीं है, आप ले सकते हो इसको ज़रूर। और एक बात मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको फ्लेक्स सीड्स से मिल जाएगा नेचुरली। आप अगर लेना चाहते हो फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, होल एग्स, तो होल एग्स ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट रहता है, तो वो आपका बॉडी के लिए बहुत ख़राब है, और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई रहता है, तो मत लीजिए। और एक बात, फिश अगर लेते हो तो फिश आपको पता ही है, आपको जो सैलमन जो है उसमें आपको मिल जाएगा ओमेगा 3, और टूना फिश जो है वो आप उसमें आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि क्यों, मैंने इसको डेली कितना चाहिए। डेली आपको 1 ग्राम करके चाहिए। अगर आप नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो तो आपको 1 ग्राम करके चाहिए। अगर आप एथलीट हो या फिर एक्टिविटी कुछ करते हो तो आपको 3 ग्राम करके चाहिए, मतलब 3 कैप्सूल ईच एंड एवरी डे। सुबह एक ले लीजिए ब्रेकफास्ट के साथ, दोपहर को लंच के साथ, रात को डिनर के साथ, ये 3 आपको लेना चाहिए। तब जाके आपका जो बॉडी का जो हार्ट, ब्रेन एंड जॉइंट है वो आपको प्रॉपर फंक्शन करेगा। और ये आप डेली यूज़ कर सकते हो, पूरा लाइफ यूज़ कर सकते हो, 15 to 80 सब इसको ले सकते हैं। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0 साइड इफेक्ट है। अगर किसी का कोई साइड इफेक्ट हुआ है इससे, मुझे कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ आप लोग को, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक बात, इसका प्राइस जो आता है, ये मुझे मिला था 380 में मिला था। तो ये अमेजन से ही मैं खरीदा था, नोवास की तरफ से। मैं लिंक दे दूंगा आप लोग को, आप लोग खरीद सकते हो। और एक बात जो बोलूंगा, और एक बात जो है कि आपको पता रहना चाहिए कि ये आपका सप्लीमेंटरी है। अगर आप फूड से कंज्यूम प्रॉपरली कर रहे हो तो इसको ऐड मत कीजिए, खरीदिए मत, मैं बार बार बोलता हूँ, पैसे को सेव कीजिए। एनीवे, चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी और भी वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के लिए, सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे चैनल बड़ा हो सके और मैं भी आप लोग को सपोर्ट दे सकूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलने से मैं भी आपको सपोर्ट कर पाऊँगा। विदाउट योर सपोर्ट मेरा चैनल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।